हाय हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है RS 200 गाड़ी। इस गाड़ी का हम हेयर फिल्टर ओपन करने वाले हैं दोस्तों, और इस गाड़ी के अंदर ना यहाँ पे आयल लीक हो रहा है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर हेयर फिल्टर के अंदर से आयल आ रहा है। ये किस लिए आ रहा है दोस्तों, इस पूरी वीडियो के अंदर तुमको जानकारी दे देंगे दोस्तों। पहले इसका सीट और टैंकी खोल लेते हैं दोस्तों। बस की वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों कि इस गाड़ी का हम टैंकी का जो पैनल है इसको खोल लिया। अब टैंकी को ओपन कर लेते हैं। जो 12 नंबर के बोल्ट रहते हैं, उस दोनों तीन बोल्ट रहते हैं इसके अंदर, इस तीनों बोल्ट को ओपन करने के बाद टैंकी बाहर आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में इसका जो हेयर फिल्टर यहाँ रखा है, इसको हम खोल के चेक करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो दोस्तों इसकी टैंकी का जो पाइप रहता है, इसको हम पूरे कनेक्शन अच्छे से निकाल लेना है, नहीं तो इसका कनेक्शन ऐसा रहेगा तो टूट जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों इसमें तीन पाइप लगे हैं, लेकिन हमको निकालना है ये एक पाइप। आप देख सकते हो दोस्तों इस पाइप को हम फ्रेशिंग करके इस तरह इसको निकाल लेना है दोस्तों। उसके बाद में इस टैंकी का जो और एक कनेक्शन रहता है, इसको हटा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसकी टैंकी हम पूरी तरीके से बाहर निकाल चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। उसके बाद में सब इसका हेयर फिल्टर खोल लेते हैं दोस्तों। स्क्रू ले हम इस बॉक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके चारों बोल्ट हम खोल चुके हैं, अब देख सकते हो यह है इसका हेयर फिल्टर। अब देख सकते हो इसके अंदर आयल का पूरा थेम लगा हुआ है। एक बार लाइट डाल इसके अंदर, आप देख सकते हो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर हेयर फिल्टर के अंदर आयल आ चुका था, इसलिए वहां से लेकर आप देख सकते हो दोस्तों यहां तक आयल लीक हो रहा था।